हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि क्या नाम है आपका, कि किसी कंपाउंड में हम कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ट्रिक नंबर 7। ठीक है, ट्रिक नंबर 7, इसमें हम देखेंगे कि किसी मॉलिक्यूल्स में, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें आपको पूछ देता है कि बताओ आपको पी पाई और पी पाई डी पाई बॉन्ड मतलब कितने हैं, या फिर पी पाई टी पाई बॉन्ड है कि नहीं है। ठीक है, इन सब मॉलिक्यूल में पूछ जाता है। तो पहले तो देख भी लीजिए क्वेश्चंस के फॉर्म में कि आपके एग्जाम में इस तरह किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए। पहचानेंगे कि पी पाई बॉन्ड है कि पी पाई डी पाई बॉन्ड है। बहुत ही विद इन अ सेकेंड, मैं विद इन अ 10 सेकेंड बता रहा हूँ, बता दूंगा। ध्यान से सुनिए, पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, फर्स्ट पॉइंट, कि अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट के बीच में है, ठीक है, पाई बॉन्ड सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स के बीच में, जैसे एन डबल बॉन्ड ओ ले लीजिए, एन डबल बॉन्ड ओ हो गया, एन डबल बॉन्ड बी हो गया आपका, फिर एन डबल बॉन्ड और क्या हो सकता है, एन डबल बॉन्ड और नहीं हो सकता, अब बी डबल बॉन्ड ओ हो गया। इस टाइप के मतलब पाई बॉन्ड आपके सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स के बीच में है, तो इनमें तो आपको सोचना ही नहीं है, इनमें हमेशा आपका पी पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग, मतलब पाई बॉन्ड अगर सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट के बीच में है तो सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। अब डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होगी ही नहीं कभी, तो हमेशा इसमें अगर सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट के बीच में पाई बॉन्ड है तो हमेशा ये क्या हो जाएगा, पी पाई बॉन्ड होगा। जैसे यही ले लीजिए कि HNO3 में अगर आपको पूछ दे कि पी पाई बॉन्ड है कि पी पाई डी पाई बॉन्ड है, तो HNO3 का स्ट्रक्चर बनाइएगा, ऑक्सीजन तो एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़िएगा, पॉसिबल OH लगाइएगा, जो बच जाए उसको इसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पाई बॉन्ड है किसके बीच में है, सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट के बीच में, तो ये किस ओवरलैपिंग से बनेगा, पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनेगा। तो सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट के बीच पाई बॉन्ड है तो ये आपको सोचना ही नहीं है, ओके, सोचना ही नहीं है। तो अब सोचना कहाँ पड़ता है, थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट के बीच में, जैसे कि मान लीजिए आपको ऐसा हो गया, सल्फर डबल बॉन्ड ओ हो गया, फास्फोरस डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, फास्फोरस क्लोरीन डबल बॉन्ड हो गया, जेनॉन डबल बॉन्ड हो गया, इस टाइप का कोई मॉलिक्यूल्स मतलब थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो, एक तो ऑक्सीजन मिलेगा ही आपको, ठीक है। अगर थर्ड पीरियड वाला एलिमेंट आ गया डबल बॉन्ड में, ठीक है, तब आपको ये सोचना पड़ता है, क्योंकि थर्ड पीरियड वाले आपका पी पाई बॉन्ड भी बनाता, पाई बॉन्ड बनाने में अपना पी ऑर्बिटल भी यूज़ कर सकते हैं और अपना डी ऑर्बिटल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों तरह की ओवरलैपिंग हो सकती है। तो कब ये होगा, कब ये होगा, ध्यान से सुनिए। देखिए दो बातें ध्यान में रखिएगा, पिछले लेक्चर इसलिए मैंने बताया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आप पहचानना आना चाहिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिलेटेड है, पिछले लेक्चर आप देखेंगे तभी ये समझ में आएगा, ओके। तो देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि दो बातें याद रखना है, कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ए और बी के बीच में है, ठीक है, और ए कहाँ लाई कर रहा है, सेकेंड पीरियड का है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट होता है, ए सिंगल बॉन्ड बी में कन्वर्ट होता है, इस पर पॉजिटिव आता है, इस पर नेगेटिव होता है, ठीक है, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये लिंक होता है। दो बातें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में हमेशा ध्यान में रखिए, और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ए और बी के बीच में, और ए कहाँ है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है या बिलो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है, थर्ड या बिलो थर्ड पीरियड, तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है ये आपका ए डबल बॉन्ड बी, ओके। अगर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो ये सिंगल बॉन्ड को में कन्वर्ट होता है कोवलेंट बॉन्ड में, अगर थर्ड या बिलो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो डायरेक्ट डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रॉपर्टी बहुत बेहतरीन ध्यान में रखिएगा। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, या जो डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है, उसमें हमेशा पी पाई डी पाई की ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, हमेशा पी पाई डी पाई की ओवरलैपिंग होती है, और जो नहीं कन्वर्ट हो सकता उसमें पी पाई की ओवरलैपिंग होगी। फॉर एग्जांपल ले लेते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लो H2SO4, तो H2SO4 का जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे सल्फर डबल बॉन्ड हो, सल्फर डबल बॉन्ड हो, इधर OH हो जाएगा, इधर OH हो जाएगा, ठीक है,
तो देखो भैया, मेरे वहां बताया था मैंने कि कोई भी एलिमेंट अपनी वैलेंसी के बराबर ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहले पहचानना आना चाहिए। तो पिछला लेक्चर देख लो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनमें कौन होगा, तो यहाँ पे देखो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि कोई भी अपनी वैलेंसी के बराबर ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और हमेशा पहले कोवेलेंट बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड को काउंट करते हैं। तो इसकी वजह सल्फर की वैलेंसी दो होती है, तो दो होती है, तो ये दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और उसके बाद क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट बनाया, मैंने कहा था थर्ड पीरियड का एलिमेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट के पास डबल बॉन्ड है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। कंडीशन क्या है कि उसकी वैलेंसी के बराबर पहले बॉन्ड छोड़ देना, ठीक है, वैलेंसी के बराबर पहले बॉन्ड छोड़ देना। तो ये स्ट्रक्चर कैसे कैसे कन्वर्ट हो सकता है, एस कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच, सिंगल बॉन्ड ओ एच। तो देखो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं H2SO4 में जो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकते हैं, या जो दो डबल बॉन्ड है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो पी पाई डी पाई बॉन्ड यहाँ कितने हो जाएंगे भैया मेरे, दो हो जाएंगे। मैंने कहा था जो डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए उसमें पी पाई डी पाई की ओवरलैपिंग होगी। ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहचान लिया, बड़ा आसान है भैया मेरे। उसी तरह H3PO3 में क्या करना है आपको, सिंपली यार H3PO3 में देखना है तो एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ा, पॉसिबल OH तीन लग जाएंगे, ठीक है। तो सम सिंपली आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहचानना है ना, तो सिंपली पहले क्या करो, वैलेंसी के बराबर बॉन्ड छोड़ दो। फास्फोरस की वैलेंसी तीन होती है तो तीन बॉन्ड छोड़ दो, तीन बॉन्ड वो भी पहले कौन सा काउंट करो, सिंगल बॉन्ड वाला। तो ये कोवेलेंट हो जाएगा, ये कोवेलेंट हो जाएगा, और ये वाला कोवेलेंट हो जाएगा। ओके, तो ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बदल सकता है। तो ये फास्फोरस का स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पी पाई डी पाई की ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। उसी तरह आपका SO3 में देख लीजिए, SO3 का स्ट्रक्चर देखे तो सल्फर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। तो मैंने क्या बोला, पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहचानना आपको आना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, सल्फर की वैलेंसी दी दो होती है तो दो बॉन्ड छोड़ दो, ये वाला दो बॉन्ड छोड़ दिए। अब दो ये वाला दो बॉन्ड छोड़ के देखेंगे कि ये डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। ये डबल बॉन्ड छोड़ दिए, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैंने क्या बोला, जो डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए तो उसमें पी पाई डी पाई की ओवरलैपिंग होगी। तो कितने डबल बॉन्ड है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, दो हो गए, तो इसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड कितने होंगे, दो होंगे। और यहाँ पे देखिए ये वाला कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो ये वाला पाई बॉन्ड में किस तरह की ओवरलैपिंग होगी, पी पाई की ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो पी पाई बॉन्ड एक होता है SO3 में, और पी पाई डी पाई बॉन्ड दो होता है। यही ध्यान में रखना है कि आपको वैलेंसी के बराबर बॉन्ड छोड़ देना है, उसके बाद जो डबल बॉन्ड बचे उसको चेक करना है कि वो डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए तो आपको क्या करना है, उसमें पी पाई डी पाई की ओवरलैपिंग होगी, नहीं कन्वर्ट हो रहा है तो पी पाई की ओवरलैपिंग होगी। ओके, सिंपली यही देखना है, सबके लिए आप यही चेक कर सकते हैं। हाँ, XeO3 के केस में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे XeO3 का मैं यहाँ पे बता दूँ, उसी तरह इसकी वैलेंसी कितनी होती है, जैसे XeO3 का देखना है तो जेनॉन डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो जेनॉन की वैलेंसी कितनी होती है, जीरो होती है। तो ये जीरो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, मतलब इसके सारे ये जो डबल बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जेनॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, क्योंकि जेनॉन जिसकी जितनी वैलेंसी होती है उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है भैया मेरे, ध्यान में रखो इस बात को, ध्यान में रखो। ओके, तो उतने बॉन्ड पहले छोड़ देंगे, उसके बाद देखेंगे जो डबल बॉन्ड बच रहा है, डबल बॉन्ड बच रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट डबल बॉन्ड बनाया है, वैलेंसी के बराबर बॉन्ड छोड़ के उसके बाद डबल बॉन्ड बच रहा है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जेनॉन की वैलेंसी दो होती है, जेनॉन की वैलेंसी दो होती है तो भैया मेरे जीरो कोवेलेंट, सॉरी, जेनॉन की वैलेंसी जीरो होती है, जीरो होती है तो जीरो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो इस मतलब इसके सारे जो डबल बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसके पास पी पाई डी पाई बॉन्ड तीन हो जाएंगे भैया, सारे पी पाई डी पाई बॉन्ड होंगे। ओके, उसी तरह ट्राइसिलाइल अमीन में आपका यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती है। ट्राइसिलाइल अमीन ये जो स्ट्रक्चर है ना, ट्राइसिलाइल अमीन ऐसा होता है, ये आपका SiH3, SiH3 और यहाँ SiH3, ये लोन पेयर होता है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो ऐसे करके आपका बैक बॉन्डिंग हो जाती है। तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। तो देखिए वैलेंसी के बराबर नाइट्रोजन ने बॉन्ड बना लिया,
अब इसके बाद कोऑर्डिनेट करेगा ये वाला बॉन्ड जो है आपका, ये वाला जो बॉन्ड है ये किस किस ओवरलैपिंग से बनेगा, इसका डी ऑर्बिटल और इसका क्या है पी ऑर्बिटल, तो इसमें कौन सी ओवरलैपिंग होगी, पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो ऐसे पहचानते हैं हम कि किसी कंपाउंड में पी पाई डी पाई बॉन्ड क्या होगा। सिंपली आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड पहचानना जानते हैं तो आप सिंपली पहचान जाएंगे कि किसमें पी पाई की ओवरलैपिंग है, किसमें पी पाई डी पाई की ओवरलैपिंग। सेकेंड पीरियड का एलिमेंट डबल बॉन्ड बनाया तो हमेशा पी पाई, और अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट डबल बॉन्ड बनाया है तो उसमें पी भी हो सकता है, पी पाई और पी डी पाई भी हो सकता है। अब किसमें पी डी पाई बॉन्ड होगा, वो डबल बॉन्ड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है, या फिर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, ओके तो यही आपका उसमें पी पाई डी पाई की ओवरलैपिंग हो जाएगी। सिंपली आपको ये पहचानना आना चाहिए, तो एक सेकंड में निकल जाएगा भाई मेरे, ओके ऐसे ही निकालना, वैसे मत निकालना यार कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के ओवरलैपिंग करो, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। पिछला लेक्चर देखो कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे पहचानते हैं, ये वाला आराम से आ जाएगा, ठीक है, ओके तो इसको निकाल लो जो बचा हुआ है, ऐसे ही निकालना पड़ेगा, ओके वैलेंसी के बराबर बॉन्ड छोड़ के देखना है कौन सा डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है, ओके तो इस लेक्चर में इतना ही। और मैंने क्या बताया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिलेटेड ये वाला भी है और फॉर्मल चार्ज भी है, तो फॉर्मल चार्ज नेक्स्ट लेक्चर में बता रहा हूँ, ओके तो ये देख लो।